हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लास लर्न इंग्लिश विद भावना मिश्रा पांडे। टुडे वी आर गोइंग टू डू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज बाय ए आर विलियम्स। सो लेट स्टार्ट। एक्चुअली स्टूडेंट्स, दिस इज माय थर्ड वीडियो ऑन दिस चैप्टर। फर्स्ट वीडियो वॉज ऑफ द समरी ऑफ दिस चैप्टर। इन द सेकेंड वीडियो आई प्रोवाइडेड यू all the additional short answer type questions, and here I'm presenting long answer type questions. So question number one, let's start. How has Tut's mummy fascinated the scientists and commoners alike over the previous decades? तो Tut की जो mummy थी, जो king थे, ancient ruler कहाँ के, इजिप्ट के, उनकी मम्मी ने कैसे आकर्षित किया, फैसिनेट का मीन्स होता है अट्रैक्टेड टुवर्ड्स, कैसे अट्रैक्ट किया साइंटिस्ट को एंड कॉमन पीपल को बहुत डिकेड्स पहले। एंड और करके भी ये क्वेश्चन आ सकता है। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द एक्सप्लोरेशन ऑफ टट्स मम्मी फ्रॉम 1922 to 2005। तो 1922 में डिस्कवरी हुई थी टट की मम्मी की, एंड उसके बाद से कंटिन्यूसली 2005 तक एक्सप्लोर किया गया टट की मम्मी को। तो उसके बारे में हमको यहाँ पे ब्रीफली बताना है। सो लेट स्टार्ट। किंग टटनखैमन वाज़ द लास्ट ऑफ हिज फैमिली लाइन। किंग टट जो थे वो अपनी डायनेस्टी के लास्ट किंग थे। His funeral marked the end of a dynasty, and उनके funeral के साथ ही उनका जो वंश था वो क्या था, end यानी समाप्त हो गया था। He was led to rest laden with gold, as the royals in Tut's time were extremely wealthy and thought they could take their riches with them. अब he was led to rest यानी कि उनको उनकी ग्रेव में रखा गया लेडन विद गोल्ड, गोल्ड से लाद कर पूरी तरह से। लेडन का मीन्स होता है हैवीली लोडेड विद। उनको पूरी तरह से गोल्ड से लाद के किस में रखा गया, अपनी ग्रेव में, क्योंकि वो क्या थे, बहुत ही रॉयल थे, जिस डायनेस्टी से वो बिलोंग करते थे वो बहुत ही रिच थी, बहुत ज़्यादा वेल्दी थी। एंड थॉट दे कुड टेक देयर रिचेस विद देम। अब इजिप्शियंस का एंशियंट में, ये एंशियंट इजिप्शियंस का ये मानना था कि हमारी लाइफ के बाद, मरने के बाद एक और लाइफ होती है आफ्टर डेथ, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमारी जितनी भी रिचेज हैं वो अपने साथ, जितना भी वेल्थ हमारे साथ है वो हम लेके जा सकते हैं। तो एंड जो किंग थे, जो भी उस टाइम पे एंशियंट टाइम में जो भी किंग्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, ममीज़ में बहुत सारा गोल्ड, बहुत सारी वैल्यूएबल थिंग्स अपने साथ कॉफिन में लेकर के जाते थे, उस बिलीव के चलते। कि क्या बिलीव था उनका, कि डेथ के बाद भी एक और लाइफ होती है, तो हमारे पास जितने भी रिचेज हैं हम लेके जाएँ तो वो हमको नेक्स्ट लाइफ में वैसी की वैसी मिलेंगी। इसलिए His tomb was discovered by Howard Carter, a British archaeologist, in 1922. उनका जो tomb था, उनकी जो grave थी, उसको discover किया गया। Discover कब किया गया, 1922 में। किसने discover किया, Howard Carter ने। And Howard Carter कौन थे, एक British archaeologist थे। Archaeologist का मतलब होता है पुरातत्व वैज्ञानिक, जो पुरातत्व विभाग में काम करते हैं। एंड मोर देन 3000 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ। अब 1922 में जब उनको डिस्कवर किया गया, ये कब तक का टाइम था, जब किंग टट की डेथ होने के 3000 ईयर्स के बाद वो जो मम्मी थी वो निकाली गई। द रिच रॉयल कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी एंड गोल्डन आर्टिफैक्ट्स फैसिनेटेड कार्टर। अब जितना भी रॉयल कलेक्शन था ज्वेलरी का एंड अदर रॉयल जो ऑब्जेक्ट्स थे, आर्टिफैक्ट्स का मींस होता है कलाकृतियाँ, यानी कि ह्यूमन मेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो या वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, तो उन सारी चीज़ों ने कार्टर को फैसिनेट किया, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट किया कि इतना रिच रॉयल कलेक्शन है ज्वेलरी का एंड अदर आर्टिफैक्ट्स का, यानी अदर कलाकृतियों का। विजिटर्स थ्रोंग्ड द बॉय किंग्स टॉम। तो विजिटर्स थे
बहुत सारे, थ्रॉन्ग्ड का मीन्स क्या होता है, बहुत ग्रेट नंबर में प्रेजेंट होना, या फ्लॉक यू कैन से झुंड आप कह सकते हो। तो बहुत सारे विजिटर्स वहाँ पे कलेक्ट हुए बॉय किंग के टोम को देखने के लिए, क्योंकि वो अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए यहाँ पे उनको क्या बोला है, बॉय किंग। सो द पार्टिकुलर्स ऑफ किंग टट्स डेथ एंड इट्स aftermath आर नॉट क्लियर। तो किंग टट की डेथ से रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर चीज़ थी वो सब अभी तक अनक्लियर थी कि उनकी डेथ कैसे हुई एंड उसके बाद क्या हुआ, वो सारा प्रोसेस अभी वो क्या था, अनक्लियर था, अनआंसर्ड था। इन 1968, सबसे पहले 1922 में कार्टर ने उनको इन्वेस्टिगेट किया, देन 1968 में मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी। एंड उस 1922 के बाद क्या हुआ, 40 ईयर्स के बाद फिर से एक ह्यूमन एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने एक्स रेज जो होती हैं उनसे ममी को इन्वेस्टिगेट करने का सोचा कि क्या प्रॉब्लम थी, उनकी डेथ कैसे हुई, उनकी लाइफ इतनी शॉर्ट लाइफ क्यों थी, इन सब के लिए। फिर उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने क्या पाया, ही रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। स्टार्टलिंग का मीन्स होता है बहुत ही चौंका देने वाला। तो क्या फैक्ट उन्होंने रिवील किया, द ब्रीस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स ऑफ टट वर मिसिंग। तो जो उनका इन्वेस्टिगेशन था उसमें ये पाया गया कि सामने की जो फ्रंट रिब्स है एंड ब्रीस्ट बोन, वो जो दोनों थी वो गायब थी, कहाँ से, उनकी चेस्ट से। ऑन 5 January 2005 अ सिटी स्कैन वॉज डन टू ऑब्टेन प्रीसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ किंग टट। तो 5 January 2005 का जो दिन था, उस दिन टट की जो बॉडी थी उसको फिर से ग्रेव से निकाला गया, उस मामी को, एंड क्या किया गया, उसका सिटी स्कैन किया गया। किस चीज़ के लिए, ताकि एक प्रीसाइज डेटा, यानी कि प्रीसाइज डेटा का मतलब बिल्कुल एक क्लियर एग्जैक्टली क्या हुआ था जानने के लिए। फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है साइंटिफिक टेस्ट, किस चीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो सिटी स्कैन किया गया उस साइंटिफिक जांच के लिए, क्या करने के लिए, ताकि पता चले किंग टट के साथ क्या हुआ था, उनकी बॉडी के बारे में ये सारी चीज़ें। इट वॉज होप्ड और आशा की गई दैट इट वुड ऑफर न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ। एंड उन्होंने सोचा कि सिटी स्कैन करने से उनकी लाइफ एंड उनकी डेथ से रिलेटेड जो अनसुलझे रहस्य हैं, मिस्ट्रीज हैं, उनके बारे में कुछ इंडिकेशन मिलेगा या कुछ क्लूज मिलेंगे। दस टट्स मम्मी हैज़ बीन the center of fascination throughout the previous decades। तो इसी कारण से टट की जो मम्मी थी वो fascination यानी attraction का कारण रही बहुत सारे decades पहले। तो ये सारे reasons थे टट के चर्चा में रहने के। Let's see what's there in question number 2। He was the last of his family line। What do you learn about Tut's dynasty from the extract? Discovering Tut, the saga continues। तो जो टट थे वो अपनी फैमिली लाइन में बिल्कुल लास्ट थे, अपनी टीनेज में उनकी डेथ हो गई थी और उनकी जो डायनेस्टी थी उनके साथ ही वो ख़त्म हो गई थी। तो हम डिस्कवरिंग टट द सैगा कंटिन्यूज़ जो ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, इससे हम उनके वंश के बारे में, टट की डायनेस्टी के बारे में हम क्या सीखते हैं, क्या जानते हैं। सो लेट्स देखते हैं क्या है यहाँ पे। टट्स ग्रैंडफादर, अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मैं पूरी ट्रिक से आपको समझा दूंगी इनकी जो लाइन है एक बहुत इजीली, बहुत इजी वे में। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल टट के जो ग्रैंडफादर थे उनका नेम था एमेनहोटेप थर्ड, ओके, एंड जो अगले हैं उनका नेम है एमेनहोटेप फोर्थ, ऑलराइट। ऐसे करके मैं आपको इजीली समझाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। टट्स ग्रैंडफादर एमेनहोटेप थर्ड, ऑलराइट। उसके बाद ये कौन थे, वॉज अ पावरफुल फैरो। अब ये फैरो कौन होते हैं, एक्चुअली एंशियंट इजिप्ट में रूलर्स को क्या कहा जाता था, किंग्स को क्या कहा जाता था, फैरो, ओके। तो उन्होंने हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 4 decades एट द हाइट ऑफ द डायनेस्टीज गोल्डन एज, यानी कि उन्होंने 4 दशकों तक क्या किया, रूल किया। एंड उस टाइम
वो क्या था, उस डायनेस्टी का, टट वाली जो डायनेस्टी थी उस टाइम, इस डायनेस्टी का गोल्डन पीरियड चल रहा था, पीक पे था, चारों तरफ इन्हीं का ही साम्राज्य था, बिल्कुल हाइट ऑफ द डायनेस्टीज गोल्डन एज, बिल्कुल पीक पे था इनका साम्राज्य। फिर उनके सन थे, मैंने आपको बताया एमेनहोटेप थर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर में, उसके बाद आते हैं एमेनहोटेप फोर्थ, उसके बाद, अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि एमेनहोटेप फोर्थ ने अपना नेम चेंज करके क्या रखा था, एखेनएटन, ओके। उसके बाद आए समेनखारे और उसके बाद आए टटनखेटन, ये चार आपको याद रखने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, टटनखेमन का हमको पता ही है, ओके, ये चार आपको याद रखने हैं। तो एमेनहोटेप फोर्थ जो थे उनके सन किनके, एमेनहोटेप थर्ड थे, उनके सन थे एमेनहोटेप फोर्थ, प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन, उन्होंने क्या किया, एटन जो गॉड है, सन गॉड, उनकी वर्शिप को उन्होंने प्रमोट किया, किन्होंने, एमेनहोटेप फोर्थ ने, एंड उन्होंने अपना नेम चेंज करके क्या रख दिया, नेम उनका था एमेनहोटेप फोर्थ, उन्होंने अपना नेम रख दिया एखेनएटन, ऑलराइट, एखेनएटन, एंड इसका मींस क्या होता है, सर्वेंट ऑफ एटन, सर्वेंट यानी कि एक तरह से गुलाम कह दीजिए, नौकर कह दीजिए, सेवा करने वाला कह दीजिए, किसकी, एटन की, एटन का मींस क्या होता है, सन के बारे में, सन गॉड आप मान लीजिए। He moved the religious capital from the old city Thebes to new city of Akhenaten. And जो पहले जो religious capital उनकी Thebes मानी जाती थी, उसको छोड़ के वो कहाँ चले गए, new city में, और उस city का नाम था Akhenaten. Okay? He further shocked, अब उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने Amenhotep IV से अपना name चेंज किया Akhenaten, and अपने आप को और एखेनएटन का मींस क्या होता है, सर्वेंट ऑफ एटन यानी कि सर्वेंट ऑफ सन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो रिलीजियस कैपिटल थी थीब्स उसको छोड़ के वो एखेनएटन न्यू सिटी चले गए। उसके बाद उन्होंने एक शॉकिंग काम क्या किया, उन्होंने एमेन जो वहाँ का मेजर गॉड थे उनकी इमेजेस को ब्रेक करना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया, एंड उनके जितने भी टेम्पल्स थे उनको सबको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, क्योंकि वो खुद किसको मानते थे, खुद तो सन को मानते थे, और उन्होंने अपने आप को क्या बोला, सर्वेंट ऑफ एटन, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो मेजर गॉड थे एमेन उन पे अटैक करना शुरू कर दिया, कैसे, उनके टेंपल्स में जितनी भी उनकी इमेजेस थी उनको ब्रेक करना, एंड उन टेंपल्स को क्लोज करना शुरू कर दिया। दस द वेकी किंग स्टार्टेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट। तो एंशियंट इजिप्ट में क्या था, जो ये किंग था इनको बोलते हैं वैकी, वैकी का मींस क्या होता है, आप फनी कह सकते हैं, अम्यूजिंग कह सकते हैं, निराला जिसको आप, पिक्यूलियर वे में ये बिल्कुल डिफरेंट थे सबसे, बिल्कुल डिफरेंट थे। तो इन्होंने क्या किया, पूरी हिस्ट्री में, एंशियंट इजिप्ट की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रेंजेस्ट काम किए, बिल्कुल सबसे अजीब तरीके के काम किए, अलग तरह के, आफ्टर एखेनएटन्स डेथ। अब ये एखेनएटन कौन था, ये एखेनएटन मैं आपको फिर से लर्न करा देती हूँ, एमेनहोटेप फोर्थ था, फर्स्ट जो थे वो थे एमेनहोटेप थर्ड, उसके बाद ये हुए एमेनहोटेप फोर्थ, इन्होंने अपना नेम चेंज करके रखा एखेनएटन, एंड इनके बाद क्या आए, आफ्टर एखेनएटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड समेनखारे, ये थर्ड थे, समेनखारे अपीयर्ड ब्रीफली एंड डिपार्टेड विदाउट लीविंग एनी साइन, एंड इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनके नाम कोई भी रिकॉर्ड, कोई भी कुछ नहीं है, कोई ज़्यादा बहुत अच्छे काम इन्होंने नहीं किए समेनखारे ने, एंड एमेनहोटेप थर्ड, फिर एमेनहोटेप फोर्थ ने अपना नेम चेंज करके एखेनएटन रखा, एखेनएटन के बाद आए समेनखारे, एंड समेनखारे के बाद कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है टटनखेमेन जो है वो आ जाएंगे अभी, जिनका ये पूरा चैप्टर जिन पे बेस्ड है, ठीक है। लीजिए, अपीयर्ड ब्रीफली एंड डिपार्टेड, और वो अपीयर भी ब्रीफली हुए, डिपार्ट भी हो गए विदाउट लीविंग एनी साइन, उनका कोई ऐसा काम इस चैप्टर में नजर नहीं आता। देन अ वेरी यंग टटनखेटन टुक द थ्रोन, उसके बाद जो बहुत ही यंग टटनखेटन, जिनको हम शॉर्ट में क्या बुलाते हैं, टट, तो वो थ्रोन, मतलब वो उन्होंने राज्य संभाला। ही इज वाइडली नोन टुडे एज किंग टट, जिनको हम
किस नाम से जानते हैं, जो फेमस है टट के नाम से। तो आपको तीन, ओनली तीन जो है नेम्स याद करने हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ही इज वाइडली नोन टुडे एज किंग टट। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू। अब ये जो किंग थे ये बहुत बहुत सेंसिबल, बहुत समझदार थे, क्योंकि इनसे पहले, समिन खारे से पहले जो थे वो कौन थे, एमेनहोटेप फोर्थ, जिन्होंने अपना नेम चेंज करके एकेनेटन किया था। उन्होंने क्या किया, एमेन जो गॉड थे, उनके मेजर गॉड, उनकी मूर्तियों को उन्होंने समाप्त करना शुरू कर दिया था, ब्रेकिंग करने शुरू कर दिए थे, सारी इमेजेस को, टेंपल्स क्लोज कर दिए। तो इन्होंने क्या किया, बहुत समझदारी से काम लेते हुए अपना नेम चेंज किया, टटन खेटन से नाम चेंज करके इन्होंने अपना नाम रखा टटन खैमिन। याद रखिएगा टटन खैमिन, यानी कि लिविंग इमेज ऑफ एमिन, ताकि लोगों के मन में जो एकेन एटन ने जो बुरे काम करके जो दहशत फैला दी थी, इन्होंने उसको सही किया, सुधारा एंड अपना नेम चेंज करके क्या रखा, टटन खैमिन। टटन खैमिन का मींस क्या होता है, लिविंग इमेज ऑफ एमिन। एमिन कौन थे, वहां के मेजर गॉड। सो ही सुपरवाइज्ड द रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड वेज। एंड वो क्या चाहते थे कि रेस्टोर कर सके, पुरानी जो चीज़ें हैं उनको फिर से रेस्टोर कर सके, फिर से पुनर्जीवित कर सके। टटन खैमिन रूल्ड फॉर अबाउट 9 years एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली। टटन खैमिन जो थे वो केवल, उन्होंने 9 साल केवल राज्य किया एंड आफ्टर दैट कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, उनकी डेथ हो गई विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। किसी ने आशा ही नहीं की थी वो कितनी जल्दी वो उनकी डेथ हो जाएगी। द डिटेल्स ऑफ हिज पासिंग अवे आर नॉट अवेलेबल। एंड उनकी जाने की, यानी कि उनकी पास अवे यानी उनकी डेथ की कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। सडन डेथ इट वॉज। द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेक्युलेटेड अबाउट वॉट हैपेंड टू हिम। स्पेक्युलेट का मीन्स होता है एक थियरी फॉर्म करना, सोचना, यू कैन से स्पेक्युलेट करना मतलब सोचना उस बारे में, मन में एक धारणा बनाना, द फॉर्मिंग ऑफ अ थियरी अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम। मॉडर्न वर्ल्ड अभी भी ये सोच ही रहा है इस बारे में कि क्या हुआ होगा उनके साथ, हाउ डिड ही डाई एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तो किस एज के थे एंड कैसे उनकी डेथ हुई, इसके बारे में आर टू अनआंसर्ड क्वेश्चंस। अब ये जो दो क्वेश्चन हैं ये अभी भी अनसुलझी मिस्ट्रीज की तरह हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस की तरह हैं, जिनके आंसर्स अभी भी मिलने बाकी हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड टट्स बॉडी हैव टू अंडरगो अ सिटी स्कैन, हाउ वॉज इट कैरिड आउट एंड वॉट रिजल्ट डिड इट यील्ड। सो टट की जो बॉडी थी उसको सिटी स्कैन के लिए क्यों ले जाया गया, क्यों सिटी स्कैन किया गया एंड ये सब कुछ कैसे हुआ एंड उसका क्या रिजल्ट निकला। अ वेल ऑफ मिस्ट्री सराउंडेड टट्स लाइफ एंड डेथ। तो जो मिस्ट्री थी वो क्या थी, रहस्य जो बना हुआ था टट की लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड, वो क्या था, वो वेल्ड था। वेल्ड का मतलब होता है ढका हुआ, आवरण युक्त, यानी कि अभी भी वो रहस्य था, मिस्ट्री थी कि टट की लाइफ और डेथ से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे वो अभी भी किसी को अब पता नहीं थे। ओल्ड मेथड्स ऑफ आर्कियोलॉजी डिड नॉट प्रोवाइड सेटिस्फैक्ट्री क्लूज टू द सरकमस्टांसेस ऑफ हिज डेथ एंड हिज एज एट द टाइम ऑफ डिमाइज। तो जितने भी ओल्ड मैथड्स थे आर्कियोलॉजी के, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विभाग ने जितने भी, मतलब उस पुरातत्व वैज्ञानिकों ने जितना भी कुछ ओल्ड मेथड्स के थ्रू जितनी भी जानकारी निकाली थी, उन जानकारियों, वो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो एक सेटिस्फैक्ट्री क्लूज हमको नहीं देती, संतोषजनक हमको इंडिकेशन नहीं मिलता किन परिस्थितियों में उनकी डेथ हुई। डिमाइस का मीन्स होता है डेथ होना एंड एग्जैक्टली क्या एज रही होगी उस टाइम। एन एक्स रे ऑफ द मम्मी इन 1968। फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी इन्वेस्टिगेशन कब हुई थी, 1922 में, मतलब 3000 ईयर्स के बाद उनकी डेथ के। सेकेंड उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी 1968 में, ह्यूमन एनाटॉमी ऑफिसर ने एक उनकी
जांच की थी, इन्वेस्टिगेशन की थी, एंड इस इन्वेस्टिगेशन ने क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड द कन्फ्यूजन, जो पहले से कन्फ्यूजन था उसको और कॉम्प्लिकेट बना दिया, उसको और जटिल बना दिया। सिंप्लीफाई का ऑपोजिट क्या होता है, कॉम्प्लिकेट करना, तो सिंप्लीफाई तो नहीं हुई उनकी, जो मिस्ट्री थी वो और कॉम्प्लिकेट हो गई और कन्फ्यूजन से भरी हुई हो गई। सिटी स्कैन वॉज अंडरटेकन टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी। तो सिटी स्कैन इसलिए करना पड़ा क्योंकि, और वो कब हुआ था, 2005 में, क्या करने के लिए, एक थ्री डायमेंशनल, अब एक्सरेज क्या करती हैं, टू डायमेंशनल इमेज देती हैं, और थ्री डायमेंशनल इमेज के लिए क्या करना पड़ता है, सिटी स्कैन। तो उस वर्चुअल बॉडी के थ्रू थ्री डायमेंशनल इमेज दिखाई गई सिटी स्कैन करने के बाद। अ स्कैनर वॉज टेकन इन अ ट्रेलर टू द सैंडी एरिया नियर टचस्टोन। तो क्या किया गया, एक स्कैनर को लेके जाया गया, किस पे, ट्रेलर पे रख के। ट्रेलर आपको पता है क्या होता है, एक आप कह सकते हैं एन अनपावर्ड व्हीकल टोड बाय अनदर, जैसे ट्रॉला नहीं अपन बोलते, ट्रक के पीछे ट्रॉला लगा रहता है, ऐसा एक ट्रेलर जिसमें स्कैनर को रख के उनके टोम के पास ले जाया गया। टट्स बॉडी वॉज कैरिड देयर फ्रॉम हिज टोम इन अ बॉक्स, एंड उस एक बॉक्स में टॉम से बॉडी निकाली गई एंड लेके जाई गई, किसके लिए, स्कैनिंग के लिए। द सिटी मशीन स्कैन्ड द मम्मी हेड टू टो। अब क्या किया गया, उस सिटी स्कैनिंग की जो मशीन थी उसने पूरी बॉडी को सिर से लेके टो तक क्या किया, स्कैन किया, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। तो कितनी सारी वहाँ पे एक्सरे से 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस क्रॉस सेक्शन में क्रिएट की गई, किसके लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। टट्स एंटायर बॉडी वॉज स्कैंड इन 0.62 मिलीमीटर स्लाइसेस, छोटी छोटी बारीक से बारीक चीज का इन्वेस्टिगेशन किया गया। The city scan produced clear image of Tut's head, neck vertebrae, rib cage, hand and skull. तो city scan ने क्या किया, produce किया clear image किसकी, Tut के head की, neck vertebrae यानी कि वो जो spinal हमारा होता है वो, rib cage, उनके hands और उनका skull, पूरी चीज़ों का एक scan produce हुआ अच्छे से। The results proved satisfactory, और जो उसके results आए उससे सब ने क्या किया, एक relief feel किया। This was a satisfactory result, जो result था वो बहुत ज़्यादा satisfactory यानी संतोषजनक प्रूव हुआ, साबित हुआ। अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी आर बिजी प्रोबिंग द सीक्रेट्स लाइंग बरिड इन टट्स ग्रेव विद हिज बॉडी। और पूरी स्पेशलिस्ट की टीम थी जिसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, फॉरेंसिक्स, एनाटॉमी सब बिजी थे बहुत ज़्यादा जांच करने में, किस चीज़ के, सारे सीक्रेट्स जो टट की ग्रेव में दबे हुए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ए आर विलियम्स सेज किंग टट इज इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, हाउ फार डू यू एग्री विद द एजर्शन एंड व्हाई। तो ए आर विलियम्स कहते हैं कि किंग टट जो थे वो डेथ, चाहे उनकी डेथ कह लो चाहे उनकी लाइफ कह लो, दोनों में जब वो जीवित थे, मतलब when he was in his lifetime, तब भी वो क्या शानदार मतलब तरीके से रहे। regal का means क्या होता है, एक राजा की तरह, magnificent way में आप कह सकते हैं। तो जब वो राजा थे तब तो वो but obvious एक राजा की तरह रहेंगे, लेकिन मरने के बाद भी उनके लिए, सारे countrymen के लिए, सब के लिए वो क्या थे, मतलब बहुत ज़्यादा शानदार एक तरह से, क्योंकि अभी भी क्या है उन पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही हैं, वो एक्सप्लोरेशन का एक पॉइंट बने हुए हैं। इसलिए हाउ फार, आप कहाँ तक सहमत हैं विद द एसर्शन, एसर्शन का मतलब होता है जो ये कॉन्फिडेंटली या फोर्सफुल वे में जो ये स्टेटमेंट या जो फैक्ट है उससे आप कहाँ तक सहमत हैं। एसर्शन का मीन्स क्या होता है, फोर्सफुल स्टेटमेंट से आप कहाँ तक सहमत हैं।
एंड वाई का मीन्स है क्यों. सो परहैप्स नो अदर फैरो ऑफ इजिप्ट हैज फैसिनेटेड द पब्लिक माइंड सो ग्रेटली एज द बॉयश किंग टटनखैमन. तो शायद नो अदर फैरो कोई भी राजा इजिप्ट का किसी ने भी फैसिनेट नहीं किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं किया. फैसिनेट का मतलब होता है अट्रैक्ट एंड फैसिनेटेड सेकंड फॉर्म है यानी अट्रैक्टेड द पब्लिक माइंड. किसी भी पब्लिक फिगर को अपनी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं किया जितना इस बॉयश किंग यानी छोटे से किंग ने अपनी तरफ. और छोटे से किंग का नाम क्या था? टटनखैमन. उनका नाम क्या था? टटनखैटन नाम था. टटनखैटन और उन्होंने चेंज करके क्या रख लिया था? टटनखैमन. तो इस बॉयश किंग ने सबको अपनी तरफ क्यों आकर्षित किया? Although he died in his teens एज कौन सी होती है? 13 to 19. ओके, तो अपनी टीन एज में उनकी डेथ हो गई थी. भले ही उनकी डेथ अपने छोटेपन में ही हो गई हो एंड रूल्ड फॉर अबाउट 9 years ओनली. चाहे उन्होंने राज्य कितने टाइम तक किया हो, केवल 9 वर्षों तक राज्य किया हो, बट ही इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन चेंजेस ड्यूरिंग हिज ब्रीफ रूल. अपने छोटे से शासन में उन्होंने क्या कर दिया था? बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर दिए थे जिससे कि वो एक ऐसे फिगर बन गए थे जो कि जनता के मन में बस गए थे. These were significant. Significant का means होता है बहुत ज़्यादा important. क्यों? As they marked the restoration of the old ways of worship of Amun. और Amun थे कौन? उनके major god थे जिनको किसने खराब कर दिया था? इनकी मूर्तियों को Amenhotep IV. और बाद में इन्होंने अपना नेम क्या रख लिया था? Akhenaten. उन्होंने क्या कर दिया था? इनके जो मेजर गॉड थे Amun, उनकी जितनी भी मूर्तियां थी उनको सबको ब्रेक कर दिया था, टेंपल्स को तोड़ दिया था. तो इन्होंने क्या किया? ओल्ड वेज को, ओल्ड जितनी भी थिंग्स थी उनको फिर से रेस्टोर करने के बारे में सोचा. किसने सोचा? टटनखैमन ने सोचा. दीज वर सिग्निफिकेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट थे क्योंकि इन्होंने रेस्टोरेशन जो पुरानी वेज थी, वर्शिप की वेज, Amun गॉड को पूजा करने के तरीके, वो सबको फिर से रिस्टोर करने के बारे में सोचा. द अनआंसर्ड क्वेश्चंस अबाउट द कॉज एंड मोड्स ऑफ हिज डेथ एज वेल एज हिज एज एट द टाइम ऑफ डेथ केप्ट पब्लिक क्यूरियोसिटी अलाइव. और ये इतने ज़्यादा जब ये जिंदा थे, अब ये सारे फैक्ट्स तो जब ये जिंदा थे तब उन्होंने इतने अच्छे काम किए, इसलिए उनका रीगल था. रीगल मींस मतलब वो राजा की तरह या मैग्निफिशेंट वे में रहे क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए. एंड डेथ के बाद क्यों? क्योंकि इनकी डेथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एंड किस एग्जैक्टली किस एज में इनकी डेथ हुई, ये सारे सीक्रेट ही बने हुए हैं अभी तक भी. पब्लिक में क्यूरियोसिटी यानी कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा अलाइव है, अभी भी जिंदा है. तो इसलिए क्या मरने के बाद भी इन पे उतनी ही रिसर्चेस कंटिन्यूस होती रही हैं. So, after his dead body has been a center of scientific examination and इसी वजह से इनकी death के बाद भी ये center of attraction रहे, center of scientific examination रहे, यानी कि scientific यानी वैज्ञानिक जांच का आधार रहे. Howard Carter, the British archaeologist, discovered Tut's tomb in 1922. तो Howard Carter ने डिस्कवर किया था. डिस्कवर का मीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जो चीज़ पहले से ही एग्जिस्ट होती है उसके बारे में कुछ और खोजना, दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी. तो टट का जो टोम था 1922 में, इसको फिर से डिस्कवर किया गया. किसके द्वारा? Howard Carter के द्वारा. Howard Carter कौन थे? एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे. एंड 1968 में, लगभग 40 years के बाद, एक ह्यूमन एनाटॉमी प्रोफेसर, ह्यूमन एनाटॉमी यानी मानव शरीर के जो प्रोफेसर थे, इन्होंने क्या किया? उस मम्मी को एक्सरे किया. एक्सरेज से उस पहेली को, उस रहस्य को, उस मिस्ट्री को सॉर्ट आउट करने का सोचा. द इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट बिगिन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003. अब ये जो ममी पे, ये जो प्रोजेक्ट है इजिप्शियन ममी प्रोजेक्ट, इसने अपनी लिस्ट कब शुरू करी? 2003 में. इन्वेंट्री का मीन्स होता है लिस्ट, सूची. तो ये कब स्टार्ट हुआ? 2003. इट हैज सो फार रिकॉर्डेड 600 एंड इट्स स्टिल कंटिन्यूइंग. तो तब से
600 जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं। इतने सारे इन्होंने इसमें अपनी सफलता ले ली है, 600 रिकॉर्ड आ चुके हैं इसमें अभी तक। द नेक्स्ट फेज ऑफ सिटी स्कैनिंग विद अ पोर्टेबल सिटी सिटी मशीन बिगेन एंड बिगेन ऑन 5th January 2005, और उसके बाद 2003 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ एंड 5th January 2005 को ये मशीन सिटी स्कैन, पोर्टेबल सिटी स्कैन मशीन जो है वो स्टार्ट हुई। किसके लिए? सबसे फर्स्ट ममी जो थी इसमें स्कैन होने वाली वो किसकी थी? किंग टट की थी। द प्राइड ऑफ प्लेस वेंट टू किंग टट हुज ममी वॉज द फर्स्ट टू अंडरगो सिटी स्कैन। एंड सबसे पहले इस जांच में इस प्रोबिंग का हिस्सा बनने वाली फर्स्ट ममी जो थी वो किसकी थी? किंग टट की। इसलिए भी किंग टट जो हैं वो डेथ के बाद भी बहुत सारे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। दस आई फुल्ली एंडोर्स द अफोरसेड एसर्शन। तो एंडोर्स का मीन्स होता है अग्री, समर्थन देना। तो मैं फुल्ली agree हूँ the aforesaid assertion। aforesaid मतलब previously mentioned means question में क्या mention था कि जब वो life में थे, मतलब जब वो जीवित थे तब भी वो सच में regal थे। regal का means राजा की तरह magnificent थे, वास्तव में थे, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। and after death also, क्योंकि उनकी life से related कि कब उनकी death हुई, death का reason क्या था, exactly क्या date थी, इस वजह से। and one more reason कि 2005 को 5th January को first time city scan के लिए उन्हीं की जो tomb से उनकी बॉडी को लेके जाया गया, तो इसीलिए आई फुल्ली एंडोर्स द फोर स्टेट एसर्शन। एंड एसर्शन का मीन्स मैं आपको बता चुकी हूँ, फोर्सफुल स्टेटमेंट और फैक्ट यू कैन से। सो स्टूडेंट्स स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।